मोहाली पुलिस ने एक ऐसी गैंग को पकड़ने में सफलता हासिल की जिनको एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करने में महारत हासिल है। हरियाणा के जींद निवासी तीनों आरोपियों को मोहाली पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपियों ने 100 के करीब लोगों के साथ वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें आरोपी लोगों के साथ उनके एटीएम कार्ड की क्लोनिंग कर ठगी करते थे और उनके अकाउंट से पैसे निकाल कर फरार हो जाते थे। इस गैंग की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस गैंग का लीडर 8वीं फेल है। 8वीं फेल होने के बाद भी इतने शातिराना तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी को अंजाम देता था। मोहाली एसएसपी हरचरण सिंह भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ी गई गैंग के 5 लोगों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार करा जा चुका है और बाकी के 2 आरोपी भी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। बड़े लोगों को एटीएम कार्ड राही इन्हों का कार्ड जरा क्लोन करके लखा रुपए की जी इन्होंने ठगी मारी है। इन्हें 3 दोषियों जरा गिरफ्तार किया। साढ़े पुलिस स्टेशन फेस 60 के केस दर्ज है। इन तिना दोषियों की जी मोडस ऑपरेंडी है ये करते कि जोड़े कोई बंदे कोई घट पढ़े लिखे ने जो कोई बजुर्ग है जो कोई बजुर्ग औरत है उन्होंने कार्ड न ही ये अगे यूज कर लेंगे सी। इन्होंने कोलों एक मशीन फड़ी है आ कार्ड फड़े ने जोड़े अपने लैवल से तैयार कर लेंगे सी। मोहाली जिले के तकरीब जड़िया 60 कंप्लेंट्स का जरा निपटारा किया गया जिथे जिन्हों लोगों के अलग अलग समय जे पैसे कढ़ाए ने टोटल इन्ह जी अपनी मुढ़ली पूछगछ जो मनिया इन्होंने मोहाली लुधियाना फतेहगढ़ साहब रोपड़ पटियाला हरियाणे तो हिमाचल तो दिल्ली तो भी कई थावान पर इन्होंने इस तरह जोड़ा ये किया। और की करते कि एटीएम मशीन को जो जाते तो किसी बजुर्ग को या किसी औरत को जरा जिमें तुम दसिया कि घट पढ़े लिखे जड़े से उन्हों की मदद करने के बहाने धोखे न उन्होंने जोड़े ई टी एम लैके जरा क्लोन कर लेंगे सी। साढ़े को मशीन है मशीन च पवा के स्वाइप कर लेंगे से उन्होंने ई टी एम का पासवर्ड देख के ये जरा लिख लेंगे से बाद जाली ई टी एम तैयार करके पैसे कढ़वा लेंगे। एवरेज जेकर लाया जाए तो इन मोहाली जिले के जिहड़िया 60 कंप्लेंट्स ने तकरीबन इन्होंने 20 से 22 लाख रुपए के दरम्यान जी इन्होंने इस तरीके जड़े पैसे कढ़वाए ने। तो बाकी डिटेल दे विच तुहानू डीएसपी साहब दस देंदे ने कि मशीन की किवें वरतों करते किवें नवा कार्ड तैयार करते साढ़े को कार्ड भी पे ने मशीन भी पई है ये मैडम दस्यो उन्होंने ये बंदा इंज इनू हाथ च छुपा के किसी भी जिवें लेडी या कोई अनपढ़ लेबरर आया कि हाँ मेरा थोड़ा कार्ड चल नहीं रहा मैं दिखाओ ठीक कर देना तो उन्हें इंज कार्ड चकना फड़ना वो हथों तो एक सैकेंड च वापस कर देना। अगले नूं नहीं समझ आता कि उहदा कार्ड रीड हो गया तो यह कुछ भी बहाने सिर जेब चला जाता। उस तो बाद इसका डेटा थ्रू ब्लूटूथ इस दे विच एक सॉफ्टवेयर है ये टैब भी उन्होंने तो ही रिकवर होया उस सॉफ्टवेयर चो पूरा डाटा ट्रांसफर हो जाता है। ये है कार्ड राइटर उस दे विच एक ऑप्शन आती है कि राइट कार्ड तो ये ब्लूटूथ के नाल दोबारा कनैक्टिविटी सैटअप हो जाती है। कोई दूसरा कार्ड किसी भी तरह का कार्ड हो ईवन रिलायंस का नॉर्मल कार्ड या VIP कोई भी मॉल का कार्ड कोई भी लाइफस्टाइल शॉपर स्टॉप किसी का कोई भी कार्ड हो जरूरी नहीं है कि वह बैंक का ही कार्ड हो उसते भी राइट हो जूगा। तो इन्होंने जिन्हें इन्होंने कार्ड्स लए ने दिल्ली तो किसी चोर तो खरीद ले कुछ इन्होंने जो ब्लॉक ब्लू कार्ड इन्होंने को आए थे वो रख ले तो एक कार्ड के उत्ते दोबारा जो एक कार्ड तुम ब्लॉक कर देने उस तो बाद उस दोबारा रीराइट हो जाती है इनफॉर्मेशन। तो हूँ ये राइटर है डिवाइस इस विच उन्हें किया राइट कार्ड इनू स्वाइप किया तो थोड़ी सारी इनफॉर्मेशन ये आ जाती सी तो जो इन तो कार्ड फड़े तो इन्होंने वो उत्ते इंज वह OTP पिन वगैरह वो लिखा हुआ सी ऑलरेडी। सो आना मोडस ऑपरेंडी सी इन्होंने यूजली लेबरर्स वगैरह जिन्होंने कार्ड यूज़ नहीं करना होता सी उन्होंने कार्ड ले लेना तो वह बंदे ना तो उसके अकाउंट का कोई मैसेज आना ना कुछ होर जो आता भी सी तो उन्होंने पढ़ना नहीं आता सी। एक लेबरर का कार्ड है जो कि 1 साल पहला क्लोन हो चुके से उस कार्ड के थ्रू कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर करके जिमें रात 12 बजे
40,000 की लिमिट है, 11:55 से 40,000 कटा ले, वो अकाउंट चो अगले दिन 12 बजे तो रात के 12 बजे डेट चेंज होगी, 12:05 से 40,000 होर कटा ले। बड़ी ही मेहनत नाल जिहड़ा इन्हां नूं असीं गिरफ्तार कीता, इह बेसिकली जिहड़े बंदे ने हरियाणे दे रहिण वाले ने जी। सौ कुछ दे नेड़े जिहड़ियां वारदातां अज तक मुढ़ली पुछगुछ दे विच जिहड़ियां मन्ने ने जी। अजे पुछगिछ करके अगे आजूगी गल पड़ताल, फड़िया ही है जिहड़ी इन्हां तों रिकवरी हुई है कार्ड्स की, बाकी इन्हां तों जिन्ने इन्हां ने पैसे कढाए ने किथे किथे वरते आ किदों किदों दिते आ की कीता है ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਪਿੰਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਜੋ ਦੋ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੀ ਯੂਜੇਜ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਟ ਆਬਵੀਅਸ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕੁਝ ਕਿਸ ਚਾਹ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਪੂਰੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਸਾਰੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਸਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਈਬਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਟਰੇਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਟਰੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੈਮਰ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣੇ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗੜਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ 20-22 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਕਢਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ